Hi friends, welcome back to the super quick revision. Now, this particular part that we all are doing now, this is your next series of CVP analysis, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ें वो कवर अप वो करेंगे. फर्स्ट इज योर कंसेप्ट्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट और जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके ना कर रखे हैं. एंड लास्टली जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. ओके, तो सुनो. फर्स्ट, अभी ब्रेक इवन पॉइंट का एक नॉर्मल फंडा यू ऑल कैन ट्राई टू रिमेंबर. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर यूनिट्स के अंदर चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कंप्यूट होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, अगर सारे के सारे कॉस्ट दुनिया में फिक्स्ड कॉस्ट ही हैं या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही हैं, बस बात खत्म हो गई. अगर ऐसे कॉस्ट ही हैं तो फिर सम्स विल बी वेरी सिंपल, क्योंकि एक ही ब्रेक इवन पॉइंट आएगा. प्रॉब्लम कब आएगा? जब भी सारे के सारे कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ना हो. ठीक है, तो अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ उसी के ऊपर कर रहा हूँ. दैट सम कॉस्ट आर देयर विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ, तभी क्या करें फिर. ओके, तो ओनली फॉर सच क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑफ नाउ. तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चंस जहां पर ये जरा पढ़ना, वेयर सम कॉन्स्टेंट कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स. इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिया था. वन सुपरवाइजर इज देयर फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जंपिंग मंकी करके था, वन पैकिंग बॉक्स इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 50 यूनिट्स. ठीक है, स्टेप्स. फर्स्ट, ट्रीट द कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, एंड फाइंड रफ ब्रेक इवन पॉइंट बाई फॉर्मूला. एक मिनट, तो क्या करो, एग्जाम्पल सुपरवाइजर कॉस्ट. मैं यही वाला एग्जाम्पल लेके कंटिन्यू करता हूँ. आप लोग एक सुपरवाइजर को 200 रुपया पे करते हो एग्जाम्पल, और वो सुपरवाइजर 100 स्टूडेंट्स को मैनेज कर लेता है, तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 पर स्टूडेंट. ये 2 पर स्टूडेंट को वेरिएबल कॉस्ट मान लो और एक रफ ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो. उस रफ ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स निकाल लो. एक बार वो आ जाएगा, उसके हिसाब से सुपरवाइजर कॉस्ट निकालो. याद रखना, सुपरवाइजर कॉस्ट या फिर पैकिंग बॉक्स, तुम लोग ये चीजों को काट नहीं सकते. एग्जांपल, अगर 120 स्टूडेंट्स आया, कितने सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी? 2. तो 2 सुपरवाइजर्स के हिसाब से सुपरवाइजर कॉस्ट निकाल लो. उसके बाद फाइंड आउट योर ब्रेक इवन पॉइंट बाई ट्रीटिंग द कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट. तो यही सुपरवाइजर कॉस्ट को इसके बाद हम लोग कौन सा कॉस्ट मान लेगा? फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, एक बार ये काम हो गया तो तेरे को तुम्हारा फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया. लेकिन क्या है, नाउ वी आर इन सीए फाइनल, तो बॉस एक से ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है. अपने सुपरवाइजर वाले क्वेश्चन के ना तो वैसे 10 ब्रेक इवन पॉइंट आए थे. लेकिन सुनो, अभी बाकी सारे ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है? फॉर अदर ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू मीट कॉस्ट ऑफ वन सुपरवाइजर. एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर का कॉस्ट 200 है, एक स्टूडेंट से मैं 20 रुपया कमाता हूं, तो एक सुपरवाइजर का कॉस्ट मीट करने के लिए तुमको कितने स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है? 10. अगर ये 10 स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद तुमको एक और सुपरवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स विल कट दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑल्सो. फिर ऐसा करोगे तो एक और ब्रेक इवन पॉइंट मिलता रहेगा. जब तक आप 10 स्टूडेंट्स ऐड करोगे और एक सुपरवाइजर भी ऐड करोगे, तब तक अपने को एक और ब्रेक इवन पॉइंट मिलता रहेगा. जब वो वाला चीज स्टॉप हो जाएगा तब तुम्हारे ब्रेक इवन पॉइंट्स भी स्टॉप हो जाएंगे. ओके, तो अगर कभी ऐसे हुआ कि आप लोग सिर्फ स्टूडेंट्स ही ऐड कर रहे हो लेकिन आप लोग सुपरवाइजर्स नहीं ऐड कर रहे हो, तो फिर योर ब्रेक इवन पॉइंट्स विल स्टॉप. ऐसा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो सुपरवाइजर वाला था वो करके रखा हुआ है. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक कॉस्ट. दूसरा, क्वेश्चंस वेयर देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इनकर्ड. ये अपना उसी के बाद ना, सुपरवाइजर के कॉस्ट वाले के बाद एक क्वेश्चन था जहाँ पे कॉलेज जो है बच्चे लोगों को पिकनिक पर लेके जाता है. ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट थे. अभी बहुत सारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट थे, एग्जाम्पल एक बस कॉस्ट था जो हर 50 स्टूडेंट्स के लिए लगता है. दैट कॉस्ट वॉज 950 रुपीज पर बस. ओके, उसके बाद एक ब्लॉक एंट्रेंस फीस था
1 to 100, 101 to 200 and 201 to 300. मतलब 1 to 100 के लिए फीस अलग है, 101 to 200 के लिए फीस अलग है, 201 to 300 के लिए फीस अलग है, और एक प्राइजेस कॉस्ट था जहाँ पर 1 to 50 के लिए प्राइजेस का कॉस्ट अलग है, इसके लिए 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 अलग है। तो फिर ना वहाँ पे तुम्हारे पास 3 types ऑफ कॉस्ट थे जिनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर एक मिनट, ये सुपरवाइजर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर एक ही कॉस्ट था, सुपरवाइजर कॉस्ट, ओके, विच इज इनकर्ड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। यहां पर वैसे ही बहुत सारे कॉस्ट हैं। एक बस वाला कॉस्ट है जो शायद सुपरवाइजर जैसा ही है, वहां पे देयर वाज वन सुपरवाइजर फॉर 100 स्टूडेंट्स, यहां पे देयर इज वन बस कुछ फॉर 50 स्टूडेंट्स, तो इसलिए उसका जो कैटेगरी है 1 to 50, 51 to 100, 101 to 150 ऐसा। एक ब्लॉक एंट्रेंस फीस है जो हर 100 के बाद वो बदलता है, और प्राइजेस का कॉस्ट 1 to 50 है, फिर 51 to 125 है, कुछ अजीब चीज ही है। तो ऐसे केसेस के ना हम लोग क्या कर लेते हैं, देयरफॉर ऑल द पॉसिबल कैटेगरीज इन विच सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन चीजों को मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देता हूँ, बिहेव्स एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आपको क्या करना है, आपको ना ये तीनों कॉस्ट एडअप करने का है। अगर आपको एडअप करने का है तो हम लोग क्या करें, तो फिर आप सिंपल काम करो, मेरे को सारी कैटेगरीज निकाल के दो। सारी कैटेगरीज मतलब अभी ध्यान से देखते रहना, तब हम लोगों ने क्या बोला था, 1 to 50, क्योंकि 50 के बाद ये कॉस्ट भी बदल जाएगा, 50 के बाद ये कॉस्ट भी बदल जाएगा। सेकेंड कैटेगरी 51 to 100, क्योंकि 100 के बाद ये कॉस्ट भी बदल जाएगा और ये वाला कॉस्ट भी बदल जाएगा। थर्ड कैटेगरी 101 to 125, क्यों, क्योंकि 125 के बाद ये वाला कॉस्ट बदल जाएगा। उसके बाद 126 से लेके, ये 126 होना चाहिए, 126 से लेके 150, क्योंकि 150 के बाद ये कॉस्ट भी बदल जाता है, ये कॉस्ट भी बदल जाता है। 151 to 200 के बाद ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है। 201 to 250 एंड लास्टली 251 to 300। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, सिक्स्थ कैटेगरी, सेवन्थ कैटेगरी, दीज आर 7 कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब अगर सोचोगे तो 1 to 50 के अंदर चाहे एक बच्चा आए, चाहे 10 आए, चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, तुम्हारा बसेस का कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, ब्लॉक एंट्रेंस फीस भी उतना ही रहेगा, प्राइजेस भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ चेंज हुआ हम लोगों ने उसको न्यू कैटेगरी बना दिया, बात खत्म। तो फिर तुम लोग यही वाला फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तुम लोग 7 बार अप्लाई करना, क्योंकि देर विल बी 7 categories ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे मैंने तुम लोग को हिंट लेकर क्या दिया था कि एवरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट बट विद इन इट्स ओन कैटेगरी, ठीक है। तो फिर तुम्हारे 7 break-even points आए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर कैटेगरी के लिए एक एक। लेकिन सपोज, ध्यान से सुनना, इफ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 51 to 100, सपोज इस कैटेगरी के अंदर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, और तुम्हारा आंसर आ गया 30, उसका मतलब क्या है, 51 to 100 मेरा जितना भी कॉस्ट होता है, आई रिक्वायर 30 स्टूडेंट्स फॉर 0 profit। बेटा तेरे को इस कैटेगरी के अंदर मिनिमम कितने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, 51। तो याद रखना, इस कैटेगरी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट। बॉस अगर 51 बच्चा लोग भी आ गया, देन ऑल्सो देर विल बी प्रॉफिट ओनली, नो यार। नेक्स्ट 75, अगर 75 बच्चे लोग आए तो अपना फर्स्ट डिस्कशन याद करो, ब्रेक इवन पॉइंट पे 0 profit, उसके ऊपर प्रॉफिट, उससे कम लॉसेस। तो अगर 51 to 74 आ गए लॉस, 75 0 profit, 76 से 100 देर विल बी प्रॉफिट्स। एंड लास्टली 105, जरा सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट ही 105 आया, मतलब अगर 100 बच्चे लोग भी आ गए, देन ऑल्सो यू विल फॉल शॉर्ट यार। तो अगर तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 105 आया, फिर से लिख के आना, देयर विल बी नो ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फिर आपको इस कैटेगरी के अंदर लॉस ही होएगा। यहां पर इस कैटेगरी के अंदर आपको हमेशा प्रॉफिट ही होएगा, ठीक है। और यहां पर 51 to 74 लॉस, 75 0 profit, और उसके अलावा उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, अभी एक चीज, जस्ट लाइक दैट ओनली, ओके, जनरल डिस्कशन एप्लीकेबल टू
all the questions of multiple break-even point. Multiple break-even point matlab ek se zyada break-even point. So break-even point is equal to fixed cost upon contribution per unit. Contribution per unit kaise compute hota hai? Selling price minus variable cost. Ek funda yaad rakh sakte ho. Jab tak ye change nahi hota, jab tak ye change nahi hota, jab tak ye change nahi hota, tab tak ek hi break-even point aa sakta hai kyunki kuch change nahi ho raha. Jitni bar jitni cheezein change hoengi, utne break-even points आ सकते हैं. ओके ये वाला चीज हम लोगों ने तीन चार क्वेश्चंस के ना अप्लाई भी किया था. ओके चलो ये वाला तुम्हारा डिस्कशन जो है वो हो गया. आगे ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कंपनीज मोर देन वन प्रोडक्ट. जरा सोचो मेरे पास प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है तो तेरा ब्रेक इवन पॉइंट का आज तक फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बदले में क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और अगर वेटेड एवरेज आएगा तो आपको वेट्स भी लेना पड़ेगा. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वेट्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सेल्स मिक्स इन यूनिट्स. दिस विल बिकम योर वेट्स एज सच. एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए है बी है. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 और 2 है. आपको 3 और 2 का वेटेड एवरेज चाहिए तो आपको वेट्स लेना पड़ेगा. यहाँ पे वेट्स के तौर पे क्या आएगा? सेल्स मिक्स इन यूनिट्स. सेल्स मिक्स इन यूनिट्स मतलब एग्जांपल ए और बी जब भी बिकता है 8 units to 7 units की रेशो के अंदर बिकता है. सो दिस विल बिकम योर वेट्स. उसके बाद आप लोग अपना वेटेड एवरेज जैसे निकालते हो निकाल लेना. मल्टीप्लाई दिस एंड दिस ये मिल जाएगा. मल्टीप्लाई दिस एंड दिस ये मिल जाएगा. टोटल अप करो डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ दिस विल फेच यू योर आंसर. ठीक है खत्म. आगे ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज पीवी रेशियो. एक मिनट तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. अभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो पीवी रेशियो के बदले में क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज पीवी रेशियो. एंड ऑब्वियसली वेटेड एवरेज निकालने के लिए फिर से वेट्स की जरूरत पड़ेगी. ऑफकोर्स यहां पर तुम्हारा वेट्स क्या हो जाएगा? सेल्स मिक्स इन रूपीज. सेल्स मिक्स इन रूपीज हम लोगों ने ये वाला चीज कर रखा है. ठीक है चलो दिस पार्ट इज ऑल टुगेदर डन. आगे ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट वाला पार्ट था. उसके बाद अपना नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनल सीए पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट वन थिंग आउट ऑफ दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट वो टुवर्ड्स द एंड आएगा. जॉइंट प्रोडक्ट्स. जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स? कुछ एक कॉमन खर्चा करके कॉमन मैन्युफैक्चरिंग चला के 2 and more प्रोडक्ट्स गेट प्रोड्यूस्ड. ठीक है उसी को हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं. सपोज मैंने कॉमन मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा किया तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जरा सोचो कौन कौन सा खर्चा आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला यहाँ आकर खत्म हो गया. ठीक है जब यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग मेरा खत्म हो गया तो बीच में कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ. अगर स्क्रैप बेच के कुछ मिलता है वी कॉल दैट थिंग एज स्क्रैप वैल्यू. अगर स्क्रैप बेचने का खर्चा होता है वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज स्क्रैप कॉस्ट. स्क्रैप वैल्यू लेस करेगा कॉस्ट कम हो जाएगा. स्क्रैप कॉस्ट ऐड करेगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज विच कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट. कई लोग उसको प्री सेपरेशन कॉस्ट भी बोल देता है. ये वाला पॉइंट आया. ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट आता है? जहां पर तुम्हारे प्रोडक्ट्स अलग हो गए. ये जो रेड एरो मार्क है इस पॉइंट को हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोल देते हैं. कौन सा पॉइंट बोल देते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ओके स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया. दो प्रोडक्ट्स बाहर आए. कौन से दो प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. ठीक है अभी प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी बाहर आ गए. अगर प्रोडक्ट्स ए और बी बाहर आ गए तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? सर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको आप लोग ए और बी के अगेंस्ट डिवाइड तो करो. जरा याद करो हम लोग कभी भी जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड क्यों करते हैं? ओनली फॉर वन रीजन एवर एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. यू डू नॉट रिक्वायर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर एनी डैम रीजन इन दिस वर्ल्ड. यू ओनली रिक्वायर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. और कोई पर्पस नहीं होता है. ठीक है सुन इन दिस पर्टिकुलर केस तो सबसे पहले आउटपुट मेथड. ए का 10,000 यूनिट्स बनाया, बी का 20,000 यूनिट बनाया, तो आउटपुट मेथड के अंदर डिवाइड जॉइंट कॉस्ट अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ आउटपुट. मतलब 60,000 किस रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा? 1:2. याद करो दिस मेथड शुड ओनली बी फॉलोड इफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है
उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट वाला मेथड सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड. ये वाला मेथड कैसे सॉल्व होता है? जॉइंट कॉस्ट का 60,000 का खर्चा किया, ए बना बी बना, कितना बना? याद रखना जॉइंट कॉस्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मेरे को हमेशा उसको डिवाइड करने का है अमंग आउटपुट. सपोज 10,000 20,000 यूनिट्स, उसका जो सेलिंग प्राइस है 6 एंड सपोज 1.5. जैसे ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया ए और बी बन गए. अगर मैंने ए और बी को तभी का तभी बेच दिया 6 और 1.5 के ऊपर बिक जाएगा. तो अगर तुम लोग ये दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्या मिल जाएगा? सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. याद रखना दिस इज नॉट सेल्स, सेल्स इज क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, दिस इज आउटपुट इनटू सेलिंग प्राइस. तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 30,000. बस काम खत्म. डिवाइड 60,000 अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड. गिवन अ चॉइस, दिस इज योर हॉट फेवरेट मेथड, फर्स्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड. लेकिन याद रखना इस मेथड के लिए एक रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट क्या है? कि तुम्हारे पास ए और बी का ये वाला प्राइस होना चाहिए. इस प्राइस को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या बोल देता है? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जैसे ही ए और बी बना, अगर बिका तो कितने का बिकेगा. ठीक है, अभी सपोज ऐसे जरा सोचो, ए बना 10,000, बी बना 20,000, बी अभी अभी अगर बेच देगा 6 रुपीज के ऊपर बिक जाएगा. सॉरी, आई टेक द सेम फिगर जो पिछली बार लिया था 1.5. तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने रुपीज का है? 30,000. लेकिन ना ए, प्रोडक्ट ए इस स्टेज पर बिक ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए बिक ही नहीं सकता इस स्टेज पे. उसका कोई मार्केट ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इट कैनॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. ठीक है, अगर उसका मार्केट ही नहीं है तो अब जरा सोचो तुम लोग ए के साथ क्या करते हो. मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, मैं ना क्या कर लेता हूँ, मैं ए को आगे प्रोसेस करता हूँ, मैं उसको प्रोसेस करता हूँ 25,000 रुपया का खर्चा और करके, 25,000 रुपये का और खर्चा करता हूँ ए को आगे प्रोसेस करता हूँ. एक बार मैंने ए को आगे प्रोसेस कर लिया ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट सी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट सी. लेकिन 10,000 के अंदर से ना 2,000 यूनिट्स आर लॉस, तो बच कितना जाता है? 8,000. ठीक है, 2,000 यूनिट्स आर लॉस, बच कितना जाता है? 8,000 यूनिट्स मार्केट के अंदर बिक सकता है एट द रेट ऑफ सपोज ₹10. तो सी का सेल्स वैल्यू कितने रुपीज का आ जाता है? 80,000. बस अभी एक आखिरी चीज बराबर से सुनना, अगर सी बेचता तो कितने का बिक जाता? 80. लेकिन मेरे को क्या सोचने का है, अगर मैं ए बेचता तो कितने का बिकता? तो मैं सोच लेता हूँ फिर, अगर सी को ए की फॉर्म के अंदर ही बेचता, मेरा 25,000 रुपये का खर्चा नहीं होता, फिर मैं 25,000 रुपीस कस्टमर से रिकवर नहीं करता. सो इफ आई वॉज टू सेल सी इन फॉर्म ऑफ ए, आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर 80, सॉरी आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर, एक सेकेंड, हाँ आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर 80 माइनस 25, मतलब कितना? 55,000. दिस 55 इज पॉपुलरली कॉल्ड एज नोशनल सेल्स वैल्यू ऑफ ए. इट्स कॉल्ड एज वॉट यार? नोशनल सेल्स वैल्यू ऑफ ए. दैट्स इट. बस डिवाइड जॉइंट कॉस्ट ऑफ 60,000 अमंग ए एंड अमंग बी इन द रेशियो ऑफ 55,000:30,000. दिस इज योर मेथड विच इज यूज इन केस सेल्स वैल्यू मेथड इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो गिवन अ चॉइस, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सेल्स वैल्यू. सेकंड क्या है? नोशनल. नोशनल मतलब रफ फिगर होता है, तो अगर एक्चुअल सेल्स वैल्यू नहीं मिल सकता, गो फॉर अ रफ फिगर. थर्ड इन दिस केस विल बी आउटपुट मेथड. लेकिन ये सारे मेथड्स फॉलो करना इफ नथिंग इज टोल्ड इन द क्वेश्चन. मोस्टली सम तुमको बता देगा, कंपनी ने अपना मेथड बनाया हुआ है, वो लोग जॉइंट कॉस्ट को ऐसे डिवाइड करता है, देन यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो भी सम के अंदर है. ठीक है, ये तुम्हारे हो गए जॉइंट प्रोडक्ट्स. अभी बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट्स मतलब कुछ प्रोडक्ट्स जो बस बन जाते हैं, नहीं भी बनते तो भी चलता था. एग्जाम्पल, जॉइंट कॉस्ट का खर्चा किया, ए बना बी बना, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का धंधा कर रहे हैं फॉर मेकिंग ए एंड बी ओनली बॉस, लेकिन सी भी बन गया. सपोज ए का 10,000 यूनिट बना, बी का 20,000 यूनिट बना, सी का 5,000 यूनिट बना. अभी सी को आप लोग रिस्पेक्ट क्या देते हो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं. रिस्पेक्ट मतलब कोई ऐसा बोलता है, सर जैसे सी बनता है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं, सर सी क्या प्रोडक्ट है सर,
ये फालतू चीज़ है सर, इसको डिस्पोज ऑफ कर दो टू द अदर पीपल. कई लोग के लिए शायद सी रॉ मटेरियल होगा सर, उन लोगों को बेच देंगे. उनको बेच के सपोज अपने को 0.5 मिल जाता है, तो हम लोग को सी बेच के कितना रुपीज मिल जाता है? 2500. ठीक है, बस बात खत्म हो गई. तो 2500 विल बी योर स्क्रैप वैल्यू या सिंपली सेल्स वैल्यू ऑफ सी. हम लोग क्या बोलते हैं सर, सी इज नॉट अ प्रोडक्ट ओनली फॉर अस. तो आप एक काम करो, 2500 को 60,000 में से लेस कर दो. दिस विल बिकम व्हाट? 57,500. एंड डिवाइड 57,500 अमंग ए एंड बी. दिस इज फर्स्ट ट्रीटमेंट जहां पर वी ट्राई टू ट्रीट बाय प्रोडक्ट लाइक स्क्रैप. वरना समबडी कैन बी थिंकिंग नहीं सर ये वाला काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन. कई लोग बोलते हैं नहीं सर सी ना, सी एक अच्छा चीज़ है सर, हम लोग सी के लिए भी मार्केटिंग करेगा, हम लोग उसको बोलेगा वो हमारा प्रोडक्ट है सर, हम लोग सी भी ना प्रोडक्ट की तरह बेचेगा सर. तो फिर आप एक काम करो, 60,000 रुपीज़ डिवाइड अमंग ए बी एंड सी. काम खत्म हो गया. ठीक है, चलो दिस जॉब इज डन. अभी उसके बाद डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग. अभी डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है सोचो ज़रा. जॉइंट कॉस्ट 60,000 रुपीज़ का खर्चा किया, ए बना 10,000 यूनिट, अभी अभी बेचता 6 रुपए का बिक जाता 60,000. मेरे पास एक और ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? 25,000 रुपीज़ का और खर्चा करो, ए को सी के अंदर ही कन्वर्ट कर दो. लेकिन एक कन्वर्जन के ना 2,000 यूनिट लूज हो जाएगा, 8,000 बच जाएगा, उसको बेच देना एट द रेट ऑफ 10, तो कितना रुपीज़ मिल जाएगा? 80,000. मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में यार, ए बेचूं कि सी बेचूं? तो सिंपल कहानी है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. सी बेचता कितना मिलता? 80. ए बेचता कितना मिलता? 60. तो एक्स्ट्रा कितना मिलता? 20. 20 कमाने के चक्कर में खर्चा कितना? 25. तो आगे प्रोसेस नहीं करने का, लॉस है 5,000 रुपये का. तो ए और सी कहने से क्या बेचने का बेटा? ए. अभी उल्टा एग्जांपल देता हूँ. बी का 20,000 यूनिट बना, अभी अभी बेचता 1.5 रुपये के ऊपर बिक जाता, तो 30,000 रुपये मिल जाता. लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, बी को आगे प्रोसेस करो 40,000 रुपये का खर्चा करके, कन्वर्टेड इंटू डी. डी के ना कन्वर्ट किया, 5,000 यूनिट विल बी लॉस्ट, तो बच जाएगा 15,000 यूनिट. लेकिन मार्केट के अंदर बिक सकता है सपोज एट द रेट ऑफ 8. ठीक है, तो अगर डी बेचेगा कितने रुपीज़ का बिक जाएगा? 1,20,000. बस योर स्टोरी इज ओवर. डी बेचता कितने का बेचता? 1,20,000. बी बेचता तो कितने का बेचता? 30. तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है बेटा? 90 कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा कितना? 40. तो अगर आगे प्रोसेस करेगा और कितना मिलेगा? 50. तो आगे प्रोसेस कर फिर. सो देयरफॉर यू शुड मेक डी ओवर हियर. तो इतना ही सोचेंगे, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना. जॉइंट कॉस्ट के बारे में कभी बात नहीं करने का, वो वाला खर्चा तो अपना पहले हो ही गया. ठीक है, चलिए, दिस रिविजन वीडियो इज डन. यहाँ पे वी हैव लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, स्पेशली ये जो तुम्हारा फर्स्ट दो केसेस था. ठीक है, उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट शायद तुमको काम में आए, शायद तुमको काम में ना आए. ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो. बाई.